प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने सजीव और निर्जीवों के बारे में पढ़ा है, जितने भी सजीव होते हैं वो सभी जैविक क्रियाएं करते हैं। तो जैविक क्रियाएं बेटा कौन सी होती है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि। वृद्धि यानी कि इसमें पांच बताए हैं, यानी कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन और वृद्धि। तो इसमें जो फर्स्ट वाली यानी कि पहली जो हमारी जैविक क्रिया है वो बताया है श्वसन। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो है जीवों में श्वसन, यानी श्वसन है क्या। श्वसन जो वास्तव में किसी भी सजीव द्वारा, किसी भी जीव या किसी भी सजीव द्वारा निश्वासन और निश्वासन की एक संयुक्त क्रिया है, जिसे हम ब्रीथिंग कह सकते हैं। समझ रहे? यानी ब्रीथिंग जो होती है, यानी श्वसन होता है, वो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का एक संयुक्त रूप होता है। अब बात आती है कि जब हम इनहेल यानी कि निश्वासन करते हैं, यानी सांस लेते हैं, तो कौन सी गैस लेते हैं वायुमंडल से? कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन। और जो छोड़ते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ये तो हमें पता पड़ गया, ऑक्सीजन हम वायुमंडल से ले रहे हैं पेड़ पौधों द्वारा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है हमारे शरीर के अंदर बताइए। हम बताते हैं कि जो हमारे सेल्स के अंदर, जो हमारी पता है ना बॉडी किससे बनती है, सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल्स होती है। और सेल्स यानी जो हम भोजन करते हैं वो भोजन हमारे सेल्स तक जाता है ज्यादा। तो सेल्स में जो भोजन होता है, जो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, वो उस भोजन को क्या करती है? तोड़ती है। किसमें तोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे भोजन टूटने के बाद जो बनती है, वो हमारी जब हम निश्वासन करते हैं यानी कि एक्सहेलिंग करते हैं, तो उसमें वो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब वास्तव में हमारे द्वारा जो सांस छोड़ी जाती है, क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है या कोई और गैस है, इसके लिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल में क्या एक चित्र बनाया है, इसमें क्या क्या एक पर्ची ले लेंगे, इसमें चूने का पानी लेंगे और जैसे ही हम इसमें फूंक मारेंगे तो इस पानी का कलर चेंज हो जाएगा। कैसा होगा ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है? आइए, चूना भी हमने मंगाया था सोप से, उसको मैंने क्या करा, इस बीकर में घोल लिया है। घोलने के बाद जो अक्षेप बना था वो नीचे बैठ गया, ठीक है? और ये सफेद देखो प्यूरिफाइड पानी जैसा बिल्कुल साफ साफ है, इसको क्या करेंगे, परख नली में ले लेंगे। इस समय का देखिए बिल्कुल साफ है, साफ है ना। अब इसमें क्या करेंगे, फूंक मारेंगे। अब कैसा हो गया, आइए मेरे पास दिखाइए, कैसा हो गया? दूधिया हो गया। इसका मतलब क्या है, जो हमने चूने का पानी था उसमें जैसे हमने फूंक मारी तो इसका कलर कैसा हो गया? दूधिया हो गया। कैसा हो गया? दूधिया। तो ये दूधिया कलर किस वजह से हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ। यानी चूने के पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो उसका कलर कैसा होता है? दूधिया हो जाता है। इससे हमने प्रूव कर दिया कि जब हम एक्सहेलिंग करते हैं यानी कि सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया? ओके सर।